सो गाइस आज की स्क्रीन हम लोग देखने वाले पहले सॉस। तो गाइस जल्दी से स्टार्ट करता हूँ वीडियो। दिल्ली के एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद तीन सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है गाइस इसका आंसर। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए। उसके एक कान में इयररिंग तो है लेकिन दूसरी की गायब है और वो दूसरी इयररिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयररिंग पे पड़ती है, पुलिस ये समझ जाती है। एक मिनट गाइस देखने दो। ये तो में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। जय गाइस यहां पे चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा रहा था। तभी राहुल अपनी बहन से बोलता है कि अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। रेखा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। देखो सामने तीन बाइक वाले आ रहे हैं लेकिन कोई भी बाइक चलाकर नहीं आ रहा है। तीनों ही अपनी बाइक को हाथ से धकेल रहे हैं। अब उनमें से एक ऐसा है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है। क्या तुम बता सकती हो तीनों में कौन है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है? क्या आप बता सकते हैं रेखा ने उन तीनों में कौन सी बाइक को चुना होगा जिसमें पेट्रोल नहीं है? ऑप्शन बी। सोचिए सोचिए। ऑप्शन ए या तो फिर बी। तीनों बाइक को ध्यान से देखिए। पहले और तीसरे बाइक के टायर पंचर है इसलिए पहले और तीसरे बाइक को धकेला जा रहा है, लेकिन दूसरे बाइक का टायर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी उसे धकेला जा रहा है, यानी कि यही बाइक है जिसमें पेट्रोल नहीं है। रेखा सही जवाब दे देती है और राहुल उसे चॉकलेट खिला देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ट्रेन में विकलांगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो नकली विकलांग बनकर फ्री में यात्रा कर रहा है। टीटी तुरंत ट्रेन में पहुंचकर तीन ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है जिनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। तीसरा कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। टीटी तुरंत समझ जाता है कि कौन विकलांग होने का नाटक कर रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। पहला आदमी तो टीचर है और तीसरा आदमी चेस खेलता है, तो ये दोनों तो ठीक है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है लेकिन उसका पैर तो खराब है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चौराहे पर रोड एक्सीडेंट में एक बूढ़ी औरत मर जाती है। एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ ये कोई देख नहीं पाता। पुलिस तुरंत अगले चौराहे पर ऐसे तीन कार वालों को रोकती है जिन पर शक होता है। पुलिस तीनों से कहती है, पिछले चौराहे पर एक मौत हुई है, उसका एक्सीडेंट तुम तीनों में से किसी कार से हुआ है। तो पहला कार वाला कहता है, सर मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा बोलता है, चल मेरी गाड़ी से आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तीसरा बोलता है, सर मुझे क्या पता बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि एक्सीडेंट किसकी कार से हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। ऑप्शन ए या तो फिर बी।
पुलिस ने ये तो नहीं बताया था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, आदमी का, औरत का या बुढ़िया का। लेकिन फिर भी तीसरे आदमी को ये कैसे पता चला कि बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है? उसी से पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राकेश का एक ऑनलाइन फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे शहर के चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। इतना कहते ही राकेश के दोस्त का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब राकेश अपने दोस्त से मिलने के लिए चौराहे पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ चार लोग खड़े थे। राकेश अपने ऑनलाइन दोस्त से कभी नहीं मिला है तो उसका फेस नहीं जानता है। तभी वहाँ एक बॉलीवुड का हीरो आ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। लेकिन राकेश तो अपने दोस्त को ढूंढने में परेशान रहता है। क्या आप बता सकते हैं इन खड़े लोगों में कौन सा राकेश का दोस्त हो सकता है? सोचिए सोचिए। राकेश के दोस्त का फोन स्विच ऑफ हो गया था और खड़े लोगों को ध्यान से देखिए, सभी बॉलीवुड हीरो की फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी चुपचाप खड़ा है, यानी कि यही राकेश का दोस्त होगा। राकेश भी सब मैंने सही जवाब दे दिया, समझ जाता है और उससे मिल लेता है। चलिए देखो बस कैसे हमको थोड़े इग्नोर करते हैं। ट्रस्ट आई गॉट नथिंग। अगली पहेली देखते हैं। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। डॉक्टर मिश्रा एक एक करके सभी मरीजों को देख रहे थे। तभी डॉक्टर अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं और बोलते हैं, किसी ब्लाइंड मरीज का चश्मा यहाँ छूट गया है, बाहर जाके देखो ये किसका है। कंपाउंडर चश्मा लेके बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ चार लोग मौजूद है। क्या आप कंपाउंडर की हेल्प कर सकते हैं बताने में कि ये काला चश्मा किसका हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ऑप्शन नंबर 4। चारों लोगों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बूढ़ा आदमी है जो कि अखबार पढ़ रहा है, मतलब ये ब्लाइंड नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा मोबाइल फोन में कुछ देख रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी एक औरत है, वो भी अपने मोबाइल में कुछ देख रही है, मतलब ये भी नहीं हो सकती। मतलब चौथा वाला लड़का जो हाथ में स्टिक लेकर चुपचाप बैठा है, वही वो ब्लाइंड होगा और चश्मा उसी का होगा। कंपाउंडर उसे चश्मा दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक इंस्पेक्टर को खबर लगती है कि सिपाही के कपड़े पहनकर एक क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है। और यहाँ का सारा डेटा लीक कर रहा है। पुलिस स्टेशन में चार सिपाही ऐसे थे जो नए नए भर्ती हुए थे। इंस्पेक्टर उन चारों सिपाही को अपने सामने बुलाता है और उन चारों के आईडी कार्ड चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि चारों में कौन नकली है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन नकली है? सोचिए सोचिए। ऑप्शन उन चारों सिपाही को ध्यान से देखिए। उनमें से तीन सिपाही ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंदूक को पीछे की तरफ टांगा हुआ है, लेकिन एक सिपाही ने बंदूक को सामने कंधे पर टांगा हुआ है। इंस्पेक्टर ये देखते ही समझ जाता है कि वही नकली सिपाही है, क्योंकि एक प्रोफेशनल सिपाही बंदूक को हमेशा कंधे पर पीछे ही टांग कर रखते हैं और नकली सिपाही को गिरफ्तार कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कॉलोनी में रात पे कोई सड़क पर खराब दूध फेंक देता है। जहाँ दूध पड़ा हुआ था वहाँ आजू बाजू में तीन घर थे। सुपरवाइजर तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक कहता है, हमारे घर पर तो कल रात दूध खत्म हो गया था, आज का दूध तो आने का है। दूसरे घर का मालिक कहता है, कल हमारे घर मेहमान आए थे इसलिए सारा दूध खत्म हो गया था। तीसरे घर का मालिक कहता है, हमारा दूध तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2। पहले घर का मालिक झूठ बोल रहा है,
क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट के टेबल पर देखिए एक ग्लास दूध रखा हुआ है और वो कह रहा था कि कल रात उनके घर का दूध खत्म हो गया था, मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को एक कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस से कहता है कि शहर के बाहर उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वो ट्रक वाला भी उसे छोड़कर भाग गया है। इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं? वो कह रहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे दोनों अच्छे लगे एक्सीडेंट में, तो उसने कॉल कैसे किया है? इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं? कार वाला झूठ बोल रहा है। वो आदमी कह रहा था कि एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर चोर छुप गया है, क्या आप एबीसी घरों को देख के बता सकते हैं चोर कहाँ छुपा होगा? सोचिए सोचिए। छुपा होगा गाइस चोर, ऑप्शन ए या तो फिर ऑप्शन सी में। घर सी में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, घर बी के फुटस्टेप्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, जो जरूर घर ए में गया होगा। अगर आपको भी यही लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। देखिएगा इसका था ना ऑप्शन ए या तो फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सॉरी। आज ही थी आज की इस वीडियो, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। लाइक करना, चैनल को नहीं है तो सब्सक्राइब करना। #1 वीडियो पहलिया।